हेलो दोस्तों, सुबह सुबह दिन की शुरुआत करते हैं वजन चेक करके। और आज के दिन में ये हो चुका है 64.800। ये वाटर वेट है पक्का। दिन की शुरुआत में मैंने ब्रेकफास्ट के तौर पे खा लिया था एक डिश भर के खरबूजा। दोस्तों आज है 14 अप्रैल 2024। मतलब कि मेरी ये जो 3 महीने की जर्नी थी, मतलब 90 दिन में 9 kg वेट लॉस की जो चैलेंज थी, उसका आज आखिरी दिन है, 90वां दिन है। और अनफॉर्चुनेटली ये चैलेंज मैं जीत नहीं पाई हूँ क्योंकि मैंने 9 kg कम नहीं किया। पर हाँ, पार्शियली आई हैव वॉन इट बिकॉज मैंने 6 kg कम किया है, क्योंकि लास्ट से लास्ट ये 63 kg देखने को मिल गया था। दैट्स मीन मैंने 69 kg से शुरुआत की थी और 63 तक पहुंची, मतलब 6 kg वेट लॉस मैंने किया। इवन तो अभी 63 सिक्योर करना बाकी है, पर बोल सकते हैं कि मैंने 6 kg डेफिनेटली कम किया। तो पर मंथ मैंने 2 kg ही सिर्फ कम किया है। बट मैं खुश हूँ इस बात से, और शायद आपको भी खुशी होगी कि ये जो मैंने 6 kg 3 महीने में वेट लॉस किया है, ये मैंने कुछ ज़्यादा सेक्रीफाइस करके नहीं किया है। मैंने बहुत ही दिल से खाया है, ढेर सारे चीट मील्स किए हैं, कोई भी चीज़ में मैंने ज़्यादातर सेक्रीफाइस नहीं किया है, या मील में कोई डिडक्शन नहीं किया है, मैंने कुछ ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया है, जिम में भी काफ़ी छुट्टियाँ लगाई है। तो ये सब वजह है कि मैं चैलेंज जीत नहीं पाई, पर ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने ये 3 महीने के 3 महीने पहले से, मतलब 6 महीने पहले मैंने 74 kg से शुरुआत की थी, और पहले मैंने 1 महीने की जर्नी ली थी जिसको मैंने अचीव किया था। 1 महीने में मैंने 4 से 5 किलो कुछ कम किया था। दूसरी बार मैंने 1 महीने में 2 kg कम कर पाई थी, और तीसरी चैलेंज भी शायद मैं जीती थी हारी थी मुझे याद नहीं, और ये फोर्थ चैलेंज थी मेरी। बीच में मैंने 21 दिन का वैकेशन भी लिया था। तो कुल मिला के इन 6 महीनों में मैंने 74 kg से लेकर 64 kg तक का रास्ता तय किया, मतलब 10 kg मैंने 6 महीने में लूज़ किया। और वो भी बहुत ही मन भर के, शादियों के सीज़न में या ऐसे ही कोई अच्छा सा कोई भी ओकेजन आ गया है तो खा पी के कम किया है। ऐसा नहीं कि मैंने क्रैश डाइट किया है, या सिर्फ गोभी पत्ते या पेड़ पौधे खाए हैं, या सिर्फ फ्रूट पे मैंने डाइट किया है, ऐसा नहीं है। और खुशी इस बात की भी है कि 74 से 64 जो मैंने कम किया, वो अभी तक बाउंस बैक भी नहीं होने दिया, और ऊपर से कम ही किया है, और 63 भी देख लिया है नंबर। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं मानती हूँ शायद आप में से कई लोगों को लगेगा कि मैं अनहेल्दी वे में डाइट कर रही हूँ, पर मैं आपको सच बताऊँ, मेरी जो बॉडी की पैटर्न है, मेरी जो काम करने की पैटर्न है, आजकल जो मेरी लाइफ स्टाइल है, उस हिसाब से मैं बहुत ही संभल के हेल्दी वे से चल रही हूँ। एंड पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि सबकी बॉडी अलग होती है, हर एक इंसान अलग अलग खाने पे अलग तरीके से उसकी बॉडी उसको रिएक्ट या रिस्पॉन्स करती है। तो मेरे हिसाब से मुझे जो सही लगा है उस तरह से मैंने किया है, और मैं आपके सामने हेल्दी एंड फिट हूँ भी। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि ये अनहेल्दी वे है या ये बाउंस बैक करेगा। और अगर आप सोच भी रहे हैं तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच सकते हैं, आप मेरे वेल विशर्स हैं, आप मेरे सपोर्टर्स हैं, आप अपना जो एक बात है वो रखने का पूरा हक रखते हैं, तो रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं ऐसे। पर मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, अभी मैं 64 पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अभी और भी वेट लॉस करना है। वैसे तो सबसे पहले मुझे 60 तक पहुँचना है। तो मैं आपके सामने ही हूँ, आप देख सकते हैं मुझे, मैंने कभी कुछ झूठ नहीं बोला है आपसे। जितना खाया वो सब बताया है, जितने चीट मील्स किए हैं वो सारे शेयर किए हैं, जब कभी मैंने सिर्फ कॉफ़ी और मूंगफली चने पे दिन बिताए हैं तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। वज़न कम हुआ तो भी मैंने खुशी से शेयर किया है, वज़न अगर बढ़ भी गया है तो भी मैंने डरते डरते शेयर किया है कि पता नहीं आप लोग कितना डांटोगे या क्या बोलोगे। तो आई होप सो कि आप लोग भी ये वेट लॉस जर्नी मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज ये आखिरी दिन है तो मैं पार्शियली जीती हूँ, मैं एक्चुअल में जीत नहीं पाई हूँ ये जर्नी, ये तो आप भी मानते हैं। तो अभी पोज लेती हूँ, अभी सुबह मैंने आज ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा खरबूजा खाया था जिसका फोटो मैंने आपको दिखा दिया है, और लंच के तौर पे अभी दोपहर के 3 बजे मैं करने जा रही हूँ लंच में, खाने वाली हूँ मैं ये चाट बना ली है मैंने, सेव चाट बनाई है जिसमें खीरा है और टमाटर है और प्याज है, और उसके साथ रतलामी में सेव है। और आगे अब मैं क्या करने जा रही हूँ ये मैं आपको अभी शाम तक तय करके बता दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी इन माय वेट लॉस जर्नी, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। जहाँ पर आपको गलत लगी हो मेरी कोई वे ऑफ डाइट, और तो आप लोगों ने मुझे टोका, मुझे अलर्ट किया कहीं भी, कहीं सारी जगहों पे मुझे कई सारे ऑप्शंस दिए और कुछ खाने के, तो मैं सच में बहुत ही धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतना मतलब केयर कर रहे हैं मेरी। तो सच में मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड प्लीज स्टे विथ मी फॉर माई नेक्स्ट वेट लॉस जर्नी एज वेल, आई विश फॉर दैट।
अब इवनिंग स्नैक्स में ना मैंने खा लिए थे थोड़े से भुने हुए चने और मूंगफली, उसी के साथ इतने सा गाठिया, उसके साथ एक खजूर मूंगफली का लड्डू, फिर थोड़े और गाठिया खाए और उसके बाद भी मैंने फिर से थोड़े और गाठिया खा लिए थे। अब बात करें डिनर की, तो डिनर में मैंने बना लिया था खट्टा हांडवा, और ये जो चार पीस देख रहे हैं ना उसमें से मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया है और थोड़ी सी मूंगफली खा ली है और फिर से थोड़े से गांठिया खा लिए हैं। तो दोस्तों मेरे आज के दिन की जर्नी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं कल नई सुबह के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।